साथियों नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आए दिन नए परिवर्तन किए जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट परिवर्तन किया गया है कि 5वीं और 8वीं के बच्चों को साल में 3 बार देना होगी परीक्षा। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षा के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं, इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों ये खबर भोपाल से, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। इसी सत्र से मध्य प्रदेश बोर्ड के सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ रहे 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे साल में 3 बार परीक्षा देंगे। छात्रों को तिमाही, 6 माही और वार्षिक परीक्षा देना होगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने तिमाही परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इसके आदेश आपको वीडियो के अंत में दिखाए भी जाएंगे। आदेश के मुताबिक तिमाही परीक्षा सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में होगी। परीक्षा के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तिमाही परीक्षा के लिए राज्य शिक्षा केंद्र प्रश्न पत्र तैयार करेगा और जिला स्तर पर संकुलों में भेजेगा, लेकिन कॉपियों का मूल्यांकन शाला स्तर पर ही होगा। इसके बाद दिसंबर माह में 6 मई परीक्षा और फरवरी माह में वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा होगी। ज्ञात हो कि शासन ने 2 मार्च को। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। गजट नोटिफिकेशन जारी कर मध्य प्रदेश बोर्ड की 5वीं और 8वीं कक्षा में इसी सत्र से बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने का फैसला किया है। प्रतिभा पर्व के बदले होगी ये परीक्षा। पहले प्रतिभा पर्व होता था, इसके बदले 6 माह परीक्षा होगी। पहले 5वीं 8वीं कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन के लिए 6 माह परीक्षा के बदले प्रतिभा पर्व होता था, अब 6 माह परीक्षा होगी। इसके बाद वार्षिक मूल्यांकन के बदले बोर्ड परीक्षा होगी। इसमें बच्चों इस टॉपिक पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार व्यक्त करना न भूलें। को भी अंक मिलेंगे और फेल व पास का रिजल्ट भी जारी होगा। निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी 5वीं व 8वीं की तिमाही के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार से 6 माह और वार्षिक परीक्षा भी ली जाएगी। ये कहा है आयरिन सिंथिया जेपी संचालिका राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा। 5वीं व 8वीं कक्षा के तिमाही का प्रत्येक प्रश्न पत्र 30 अंक का होगा। उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था प्रधानाध्यापक करेंगे। इसके लिए केंद्र की ओर से स्कूलों को 5वीं के प्रति परीक्षार्थी के लिए 4 रुपये और 8वीं के लिए 5 रुपये देंगे। कॉपियों के मूल्यांकन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में होंगी। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो आदेश दिखाया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप ध्यान से वो पूरा देखें। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो आदेश दिखाया जा रहा है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल और भोपाल दिनांक 16/8/2019 का है। देख लेते हैं, ये दे रखा है जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले के लिए, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग समस्त जिले, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DRC समस्त मध्य प्रदेश और जिला परिवर्तनी समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले। विषय देख लेते हैं इसका। त्रैमासिक मूल्यांकन कक्षा 5वीं एवं 8वीं तो विस्तृत दिशा निर्देश 2019-20 के लिए। ये देख लेते हैं पहला पॉइंट, त्रैमासिक परीक्षा है तो निर्धारित अंक पाठ्यक्रम एवं टाइम टेबल। 1.1 निर्धारित अंक, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 5 एवं 8 प्रत्येक विषय तो लिखित एवं मौखिक मिलाकर 30 अंक निर्धारित होंगे। 1.2 निर्धारित पाठ्यक्रम, त्रैमासिक परीक्षा है तो 15 सितंबर तक का पाठ्यक्रम समाहित होगा। 1.3 त्रैमासिक परीक्षा माह सितंबर 2019 के अंतिम सप्ताह में होगी। 1.4 टाइम टेबल, त्रैमासिक परीक्षा तो राज्य स्तर से सितंबर के प्रथम सप्ताह में टाइम टेबल राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया जाएगा। नंबर 2 पॉइंट देख लेते हैं, प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था। 2.1 प्रश्न पत्रों की सॉफ्ट कॉपी जिले को उपलब्ध कराना, ये त्रैमासिक मूल्यांकन के लिए। 2.1.1 कक्षा 5वीं एवं 8वीं तो मुख्य विषय हिंदी, विशिष्ट अंग्रेजी, सामान्य गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र लिखित व मौखिक निर्धारित ब्लूप्रिंट और लर्निंग आउटकम्स आधारित राज्य स्तर से निर्मित कर DPC कार्यालय के प्रोग्रामर गोपनीय ईमेल पर PDF प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। जिम्मेदारी रहेगी राज्य शिक्षा केंद्र की और समय सीमा रहेगी अगस्त अंतिम सप्ताह। 2.1.2 प्रोग्रामर द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र से ईमेल पर प्राप्त प्रश्न पत्र लिखित की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर CD में कॉपी का CD जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। सर्व संबंधितों द्वारा प्रश्न पत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाना है। जिम्मेदारी रहेगी DPC जिला शिक्षा केंद्र। समय सीमा मेल प्राप्ति उपरांत 2 दिवस के अंदर। 2.1.3 प्रोग्रामर द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र से ईमेल पर प्राप्त प्रश्न पत्र मौखिक की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर जन शिक्षकों के माध्यम से व्हाट्सएप द्वारा संबंधित शालाओं के प्रधानाध्यापक को सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। सर्व संबंधितों द्वारा प्रश्न पत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाना है। जिम्मेदारी रहेगी प्रोग्रामर जिला शिक्षा केंद्र व जन शिक्षक। समय सीमा सितंबर प्रथम सप्ताह। 2.3 उपरोक्त बिंदु 2.1.1 में अंकित
मुख्य विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर संबंधित शिक्षक द्वारा तैयार किए जाएंगे। 2.4 प्रश्न पत्रों का मुद्रण एवं शालाओं को वितरण उक्त संबंधित पत्र क्रमांक 2 के अनुसार कक्षा 5 एवं 8 वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र मुख्य विषय केवल लिखित मुद्रण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जिला शिक्षा केंद्र द्वारा मुद्रित करवाकर संबंधित शालाओं को छात्र संख्या के मान से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भंडार कर नियमों का पालन करते हुए गत वर्ष वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र मुद्रण हेतु स्वीकृत निविदा में निर्धारित दरों पर त्रैमासिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रों का मुद्रण जिला कलेक्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के अनुमोदन उपरांत कराया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक शाला को प्रश्न पत्र के सीलबंद लिफाफे परीक्षा के पूर्व लगभग 3-4 दिन पूर्व प्राप्त हो जाए। ये जिम्मेदारी रहेगी जिला शिक्षा अधिकारी। समय सीमा सितंबर द्वितीय सप्ताह। 2.5 त्रैमासिक मूल्यांकन कक्षा 5वीं एवं 8वीं हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था। उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था वार्षिक मूल्यांकन की भांति शाला स्तर से प्रधानाध्यापक द्वारा की जाए। परीक्षा के तत्काल बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाए। मॉनिटरिंग के समय अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं यदि प्राप्त होती है तो संबंधित शिक्षक व प्रधानाध्यापक व्यक्ति स्वतः उत्तरदायी होंगी। 2.6 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच शाला स्तर पर संबंधित विषय शिक्षक द्वारा की जाएगी और प्राप्त अंक ग्रेड मूल्यांकन पत्रक एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाएंगे। अगला पॉइंट बजट प्रावधान। प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं व्यवस्था है तो निम्नानुसार बजट प्रावधान समय सीमा में गतिविधि कार्य बता रखा है। बजट प्रावधान वे सीमा बता रखी है। प्रश्न पत्र व्यवस्था त्रैमासिक मूल्यांकन कक्षा 5 है तो 4 रुपये प्रति परीक्षार्थी और कक्षा 8 है तो 5 रुपये प्रति परीक्षार्थी। उत्तर पुस्तिका की व्यवस्था त्रैमासिक मूल्यांकन ₹5 प्रति परीक्षार्थी। नोट, उक्त दरों में प्रश्न पत्र मुद्रण पैकिंग वितरण तथा परिवहन आदि का समस्त व्यय शामिल है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर मूल्यांकन संबंधी विविध व्यय हेतु कक्षा 5 एवं 8 हेतु आवंटित प्रश्न पत्र मुद्रण की राशि में अधिकतम 25 पैसे प्रति छात्र राशि का प्रावधान है। ये आदेश निकाला है आयरलैंड सिंधिया जेपी संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो साथी ये वीडियो और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।